हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर वेल, ऑल आर गुड इन दिस पेंडेमिक टाइम. ऑलवेज रिमेंबर दैट स्कूल बिल्डिंग्स आर क्लोज्ड, स्कूल्स आर नॉट क्लोज्ड. आई मीन टू से लर्निंग इज नॉट क्लोज्ड. यू पीपल हैव गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम योर होम. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बेनिफिट दिस टाइम. पिछली बार हमने बात की थी नॉकआउट टूर्नामेंट, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में. आज हम बात करेंगे डबल नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे. कॉन्सोलेशन का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइजेस ऐसी टीम्स को भी दिए जाते हैं कई बार जो टीम हार जाती है, यानी कि सांत्वना के तौर पर उनको और मौका दिया जाता है खेलने का. तो इसी यही चीज़ें हमने कुछ जो है नोट की है इसके बारे में. वन एडिशनल चांस विल बी गिवन टू द टीम हु आर डिफिटेड इन फर्स्ट राउंड और एनी अनदर राउंड. तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट के बारे में जो टीम हार जाती हैं उनको भी अलग से चांस दिया जाता है. विनर इज डिक्लेयर्ड फ्रॉम डिफिटेड टीम. हारी हुई टीमों में से एक अलग विनर, उनका एक अलग फिक्सर तैयार किया जाएगा और उन टीम्स का एक अलग विनर निकलेगा, जिसको हम कॉन्सोलेशन विनर भी कह सकते हैं. कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट दो टाइप के होते हैं. पहला होता है टाइप वन, दूसरा होता है टाइप टू. कॉन्सोलेशन टाइप वन, कॉन्सोलेशन टाइप टू. टाइप वन के अंदर द टीम्स डिफिटेड इन राउंड फर्स्ट दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट. कहने का यह है कि जो टीम पहले राउंड के अंदर हार जाती है वही टीम सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ होगी, और उन टीमों का एक अलग से फिक्सर बनेगा. अदर न्यू फिक्सर विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज टीम्स हु आर गॉट डिफिटेड इन फर्स्ट राउंड. Teams who got byes in first round lose the match in second round. जो मान लो जो हम नॉकआउट का जो फिक्सर ड्रॉ करते हैं उन टीमों के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर जिन टीमों को बाय मिल जाती है वो टीमें क्या हैं, दूसरे राउंड के अंदर जब खेलती हैं, यानी कि जो पहली बार जब वो टीम खेलेगी बाय मिलने के बाद, अगर वो उस राउंड के अंदर हार जाती है तो उसको भी उस लिस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा. अब देखते हैं हम टाइप टू कौन से होते हैं, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट टाइप टू कौन से होते हैं. टाइप टू होते हैं कि पहले जो कॉन्सोलेशन टाइप वन था उसके अंदर जो फर्स्ट राउंड के अंदर जो टीम हारेगी उसी को चांस दिया जाएगा, पर इसके अंदर टीम किसी भी राउंड के अंदर कोई भी मैच हार जाती है और टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है तो उसको भी दूसरा चांस खेलने के लिए मिलेगा. और इसके अंदर भी हम एक अलग से कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट का एक नया फिक्सर तैयार करते हैं, ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप वन कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट टाइप वन. सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी हम कोई भी फिक्सर ड्रॉ करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ टीम होनी चाहिए. हमारे पास नंबर ऑफ टीम है 9. तो आप लोगों को पता नंबर अपर हाफ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, n+1/2, यानी कि नंबर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टीम. नंबर ऑफ टीम हमारे पास 9 है, 9 जमा में 1/2 = 5. लोअर हाफ का जो फॉर्मूला होता है n-1/2 होता है. तो लोअर हाफ में हमारे पास कितनी टीमें आएंगी, 4 टीमें आएंगी. नंबर ऑफ बाइज, जब भी हम कोई फिक्सर बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई उस जो भी हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स हैं उसके अंदर बाइज कितनी आएंगी. बाइज नंबर ऑफ बाइज का फॉर्मूला आपको पता है, लोअर हाफ के अंदर होता है NB. इन लोअर हाफ कितनी नंबर ऑफ बाइज कितनी आएंगी हमारे पास वो देख लेते हैं. हम सबसे पहले नंबर ऑफ बाइज आएंगी हमारे पास 2^4, यानी कि जो 16 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, रूट स्क्वायर हो रहा है 2 से. 4 बार अगर हम 2 को 4 बार गुना करते हैं तो हमारे पास 16 आता है. 16 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा 7. नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, लोअर हाफ के अंदर कितनी बाई आएंगी. लोअर हाफ के अंदर बाई होती है NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइज. जो हमारी टोटल बाय आई है उसमें से हम उसको क्या करेंगे, लोअर हाफ के अंदर NB+1, यानी कि 7+1/2 = 4. तो लोअर हाफ के अंदर हमारे पास 4 बाय आएंगी, अपर हाफ के अंदर हमारे पास 3 बाय आएंगी. जब भी हम कोई फिक्सर ड्रॉ करते हैं मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह से हम उसको लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर ऑफ टीम हमने यहाँ लिख ली है. अब देखते हैं कि देखो बाय हमारे पास लोअर हाफ के अंदर 4 बाय हैं, तो 4 बाय हमने दे दिए हैं यहाँ पे. अपर हाफ में हमारे पास 3 बाय हैं. बाय को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेथड होता है वो मैंने आप लोगों को बताया है. सबसे पहले अब लोअर हाफ की सबसे लोएस्ट टीम को बाय मिलेगी,
फिर अपर हाफ की अपर टीम को बाय मिलेगी, फिर लोएस्ट हाफ की सबसे जो टॉप की टीम होगी उसको मिलेगी, फिर अपर हाफ की जो सबसे लोएस्ट टीम होगी उसको बाय मिलेगी। इसी तरह से आगे 5, 6, 7 हम बाय दे देते हैं, अपनी टीमों को निकाल लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बाय निकालने का मेथड बताया है, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं हमारे पास राउंड वन के अंदर हमारे पास कितने मैचेस बनते हैं। राउंड वन के अंदर हमारे पास 9 में से 7 टीमों को बाय मिली है, तो 2 टीमें बची हैं, 2 और 3, तो हमारे पास एक ही मैच बनता है राउंड वन के अंदर। ठीक है, राउंड वन के अंदर हम देखते हैं 2 टीम यहाँ पे विनर है और 3 टीम हार जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 1 के बीच में एक मैच होगा, 4 और 5 के बीच में एक मैच होगा, 6 और 7 के बीच में एक मैच होगा, 8 और 9 के बीच में एक मैच होगा। यहाँ से जो विनर आती है ये है हमारा रेगुलर फिक्सचर जो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे आज। 9 और 6 में एक मैच होगा, यहाँ पे 4 और 2 में एक मैच होगा, इनमें से जो विनर निकल के आएगा उसका फाइनल के अंदर मैच होगा, यानी कि यहाँ पे 9 और 4 टीम का मैच होगा। चार और नौ में से जिसका मैच होगा उसमें से एक विनर आ गया है 19 नंबर, यानी कि 4 टीम नंबर जो है लूज कर गई है मैच को। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन टूर्नामेंट विनर, ये रेगुलर नॉकआउट फिक्सर था जो हम पिछली बार में, इसको हम रेगुलर टूर्नामेंट भी बोलते हैं, रेगुलर टूर्नामेंट विनर भी बोल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, इसमें से जो डिफिटेड टीम्स हैं हमारी, इसमें से जो डिफिटेड टीम्स हैं उनके ऊपर हम देखते हैं कि कौन कौन सी टीमें हमारी फर्स्ट राउंड के अंदर हार गई हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर हमारी टीम 3 नंबर टीम हार गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर। फिर हमारी देखते हैं हमारी 5 नंबर टीम जो है हार गई है, यहाँ पे हमने 5 निकाल लिया है। फिर हमारी 7 नंबर टीम हार गई है, 7 निकाल लिया है। हमने 8 नंबर टीम हार गई है, 8 निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड में इस नंबर 1 टीम को बाय मिली थी, लेकिन ये सेकेंड राउंड के अंदर हार गई है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी टीम जो फर्स्ट टाइम खेलेगी और वो हार जाती है तो उसको सेकंड चांस मिलेगा, तो यहाँ पे हम 1 नंबर टीम को भी निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं, अब इसका हम एक रेगुलर नॉकआउट फिक्सर की तरह ही फिक्सर इसका प्रिपेयर करेंगे, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि डिफिटेड टीम्स को हमने सेपरेट निकाल लिया है। तो हमारी जो डिफिटेड नंबर ऑफ टीम है वो देखते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इन 5 टीमों को इस तरह से लिख लेंगे, जो भी ये हमारी डिफिटेड टीम्स है, ये हमारी कौन सी है, डिफिटेड टीम है, डिफिटेड टीम्स को हम हारी हुई टीमों को इस तरह से लिख लेंगे। फिर इसका रेगुलर नॉकआउट फिक्सर की तरह ही एक फिक्सर हम प्रिपेयर करेंगे। हम देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ टीम 5 है, अपर हाफ के अंदर हमारे पास 5 जमा 1/2 3 टीम आएगी, लोअर हाफ के अंदर हमारे पास 2 टीम आएंगी, नंबर ऑफ बायज हमारी टोटल आएंगी 3। तो हम यहाँ पे इसी तरह से 3 टीमों को बाय दे देते हैं उसी मेथड से, पहली बाय इसको मिलेगी, दूसरी बाय 3 नंबर टीम को मिलेगी, चौथी बाय 8 नंबर को मिलेगी। अब देखते हैं हमारे पास फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस बनते हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे पास मैच बनता है 1, 5 और 7 का। दूसरे राउंड में राउंड 2 में हमारे पास मैच बनते हैं 3 नंबर टीम जिसको बाय मिली है उसके बीच में, और यहाँ पे 7 विनर हो गई है, 7 को हम 3 और 7 के बीच में एक मैच बनता है। यहाँ पे हमारे पास 8 और 1 के मैच में बनता है, 1 नंबर टीम हमारी जीत गई है, 8 नंबर हार गई है। तो फाइनल के अंदर हमारे पास 2 टीमें मिल गई हमारे फाइनल के लिए, जिसका 1 नंबर है, 7 नंबर है। यहाँ पे 7 नंबर टीम फाइनल के अंदर हार गई है और 1 नंबर टीम यहाँ पे जीत गई है। तो हमारा जो कॉन्सोलेशन विनर होगा उसको बोलेंगे कॉन्सोलेशन विनर। कॉन्सोलेशन विनर कौन है, हमारा 1 नंबर टीम है। अब जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दोनों को सेपरेट प्राइज मिलेंगे, 9 नंबर टीम को और 1 नंबर टीम, जो कि इसको बोला जाएगा कॉन्सोलेशन विनर और 9 नंबर टीम को बोला जाएगा मेन टूर्नामेंट विनर। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको कुछ काम देता हूँ, आप लोगों को कुछ फिक्सचर्स ड्रॉ करने हैं। अगर आप मान लीजिए अगर इन फिक्सचर्स को आप जो मैं आपको बताता हूँ तो आप सक्सेसफुली ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ लेना कि आपका ये फिक्सचर आपको बनाना आ गया है। एक तो नंबर ऑफ टीम आपको लेनी है 7, एक नंबर ऑफ टीम लेनी है 13 और एक नंबर ऑफ टीम लेनी है आपको 6। आपको ये 3 फिक्सचर ड्रॉ करने हैं,
कॉन्सोलेशन टाइप वन मेथड से। कॉन्सोलेशन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सोलेशन टाइप टू के बारे में। थैंक यू।